अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं बजेट इन्फो। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं और उसकी एक ही वजह है मसरूफियत, क्योंकि मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो इंशाल्लाह अब कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए आगे रेगुलर वीडियोस आती रहें। तो बगैर वक्त जाए कि आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके अस्थमा पे है, जो उर्दू में हम इसको दमा भी कहते हैं और इंग्लिश में हम अस्थमा कहते हैं। इनको जब अस्थमा होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके रीजंस क्या होती हैं, उसकी उसका इलाज क्या है, आज हम तीनों चीज़ों पर बात करेंगे। क्योंकि मेरे दो बर्ड्स को हो चुका था तो मैंने उनका इलाज किया, लेकिन मुझे कुछ नुकसान भी हुआ। तो वो नुकसान क्यों हुआ, उससे बचने का भी तरीका मैं आप लोगों को इसी वीडियो के बीच में बताऊँगा, इसलिए मेरी बातों को तवज्जो से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसकी रीजंस क्या होती है। इसकी जो मेरे सामने रीज़न आई है वो एक ही है कि जब ये हबस का महीना चल रहा होता है तो अक्सर इनको सांस का प्रॉब्लम हो जाता है और इनको अस्थमा की शिकायत हो जाती है। तो ये मेरे सामने एक रीज़न आई है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स पे बात करते हैं। सिम्टम्स इसके ये हैं, जो इसकी निशानियाँ हैं, जो मेल है या फीमेल है, इसकी जो टेल है वो बहुत ही स्पीड से हिलना शुरू हो जाएगी। बात करते हैं फीमेल पे। फीमेल जो है उसकी दो वजह से जो टेल है वो ज़ोर ज़ोर से हिलती है, उसकी जो दुम है वो ज़ोर ज़ोर से दो वजह से हिलती है। पहली वजह ये है कि उसको एग बाइंडिंग हो जाएगी, यानी कि उसका अंडा जो है वो पास ना हो रहा हो, उसका अंडा फंस गया उसके अंदर, तो उसकी जो दुम है वो ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू कर देती है। और दूसरी वजह ये है कि इसको अस्थमा हो जाए, क्योंकि अस्थमा में वो तेज़ तेज़ सांस लेते हैं और उस वजह से उनकी जो दुम है वो ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू कर देती है। तो जैसे ही आप देखें कि उनकी दुम ज़ोर ज़ोर से हिल रही है तो आप फौरन उसको चेक करें कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको एग बाइंडिंग है या उसको अस्थमा है, या आपने फौरी तौर पे उसको चेक करना है। अगर उसको एग बाइंडिंग है तो उसका भी तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं मज़ीद इस पर वीडियो बनाऊँगा एग बाइंडिंग पर। लेकिन अभी हम अस्थमा की बात कर रहे हैं। अगर उसको अस्थमा हो जाए तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपको नज़र आ जाएगा वाजह तौर पे कि उसकी जो दुम है वो ज़ोर ज़ोर से हिल रही है और सांस जो है बहुत ही तेज़ी से ले रही है। अक्सर अगर बर्ड अकेले हों, जैसे कि आपने केज में रखे हुए हैं, तो उस आपको सांस की आवाज़ भी आएगी उसमें। तो इस सूरत में आपने करना क्या है, ये तो आपको सिम्टम्स पता चल गए कि इस तरह से इनको अस्थमा हो सकता है। तो इस सूरत में अब आपने क्या करना है, इनको इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। मुझे जो नुकसान हुआ अब उस पर बात करते हैं ताकि ये नुकसान आपको ना हो सके। लेट्स से आपकी जो आपका बर्ड जो है वो कॉलोनी में है या इवन केज में भी है। अब केज में अगर तो आप उस बर्ड को फौरन पकड़ सकते हैं, यानी कि जैसे आपका 1.5x2 या 2x2 का केज है, अगर तो आप उसको फौरी तौर पर पकड़ सकते हैं, आपको एक ट्रिक आता है उसको पकड़ने का, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको ट्रिक नहीं आता, आप केज के अंदर हाथ डालते हैं और बर्ड जो है वो ज़ोर ज़ोर से इधर उधर फड़फड़ाता है, इधर उधर उड़ता है, तो उस सूरत में आपने ये करना है कि रात के अंधेरे में जब बर्ड को कम नज़र आता है, रात के अंधेरे में आपने उसको पकड़ना है बिल्कुल अंधेरा करके, ताकि वो ज़्यादा इधर उधर उड़ ना सके। क्योंकि मैंने ऐसा किया था और मुझे नुकसान हुआ, और कैसे नुकसान हुआ ये भी आपको बताता हूँ। और अगर इस तरह से जैसे ये आप कॉलोनी देख रहे हैं, इस कॉलोनी में अगर आप देखते हैं कि आपका बर्ड जो है वो ज़्यादा उड़ता है, क्योंकि जिसको अस्थमा हुआ हो बेसिकली वो बर्ड आपको अच्छा खाता पीता भी नज़र आएगा, और वो आपको ये नहीं है कि उसने कहीं पे आंखें बंद की हुई है, थोड़ा सा लेज़ी आपको ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन वैसे एक्टिव नज़र आएगा। और वो जो है आपको फीमेल जो है अगर अपनी ब्रीड पे है तो मटकी में भी आती जाती नज़र आएगी, लेकिन जो सिम्टम मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर होंगे उसमें। तो इसलिए ये मत समझे कि आपका बर्ड हेल्दी है अगर वो हेल्दी भी नज़र आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं आपको अपनी बताता हूँ कि जब ये जो मेरे पास कॉलोनी है, इस कॉलोनी के अंदर वो फीमेल थी और वो फीमेल बिल्कुल ठीक थी, और वो अक्सर लकड़ी को चबाती थी। मैंने इसकी ये बड़ी आदत देखी, वो अक्सर लकड़ी को चबाती थी और बिल्कुल अलग थलग रहती थी, लेकिन वो मटकी में भी आना जाना शुरू हो गई थी। तो मेरे दो बर्ड्स के साथ ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन पहले जिस फीमेल के साथ मेरी ये प्रॉब्लम हुई, मुझे पता चला कि इसको अस्थमा है, तो मैंने फौरी तौर पे
उसको पकड़ने की कोशिश की। तो मैंने क्या किया, मैंने दिन के टाइम ही मैं केज के अंदर चला गया और मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की। वो बहुत ज़्यादा इधर उधर उड़ी, बहुत ज़्यादा उड़ी, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया और इस वजह से उसका सांस बहुत ज़्यादा फूल गया। तो जैसे ही मैंने उसको पकड़ा, उसका सांस इतना फूला हुआ था कि मेरे हाथ में पकड़ने की वजह से, हालांकि मैंने उसी तरह से पकड़ा था जैसे सबको पकड़ता हूँ, बिल्कुल ठीक तरीके से पकड़ा था, लेकिन उसको सांस लेने के लिए उसको एक खुली जगह चाहिए थी, लेकिन मेरे हाथ में होने की वजह से वो बाकायदा उसने इतनी ज़ोर से सांस लिया कि उसकी मेरे हाथ में डेथ हो गई। तो उसका मुझे बहुत अफसोस हुआ। ब्रीडर मादी थी, मटकी में आ जा रही थी। तो इसमें आपने अगर कॉलोनी हो या केज हो, आपने कोशिश ये करनी है कि रात के अंधेरे में इसको पकड़ें और इसको आपने बिल्कुल अलग कर देना है। अगर आपने केज में रखा हुआ है और एक पेयर भी है, मतलब ये अपनी ब्रीड पे है, तो अगर अपनी ये ब्रीड पे है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उसको आपने अलग नहीं करना। और ये आपने एहतियात ज़रूर करनी है कि आपने जो आपकी फ़ीमेल है या मेल है, जिसको भी अस्थमा हुआ है, आपने दूसरी जो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने किसी दूसरे को नहीं देनी। अगर आपकी कॉलोनी है तो आपने उसको अलग कर लेना है। अगर आप उसको अलग नहीं कर सकते, उसकी रीज़न हो सकती है कि मे बी आपकी जो फीमेल है वो ब्रीड पे हो, उसने अंडे दिए हों, बच्चे दिए हों, तो ज़ाहिर है इस सूरत में आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो आपने करना क्या है, पहले बात करते हैं कि अगर उसने अंडे बच्चे दिए हों तो आपने क्या करना है। आपने करना ये है कि एक ड्रॉपर लाना है, उस ड्रॉपर के थ्रू दो ड्रॉप जो है वो आपने फीमेल के मुंह में डाल देने हैं। उससे ये होगा कि तकरीबन 3 से 4 घंटे में इंशाल्लाह आपकी फ़ीमेल जो है वो बिल्कुल फिट हो जाएगी, लेकिन आपने 2-3 दिन उसको मेडिसिन देते रहना है। बात करते हैं कि अगर वो अंडे बच्चों पे नहीं है, अगर अंडे बच्चों पे नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपने उसको अलग करना है। अलग करने के बाद आपने उसका जो एक बाउल होता है पानी का, यानी कि जो एक डी जिसमें आप पानी देते हैं, उसमें आपने 1/2 टीस्पून उस मेडिसिन की डालनी है। और वो मेडिसिन डालने के बाद आपने उसको अकेला छोड़ना है। आपने उसको ज़्यादा देर प्यासा नहीं रखना। अगर आपने रात को उसको प्यासा रखा है, प्यासा तो आपने उसको रखना है, लेकिन अगर आपने उसको रात को प्यासा रखा है तो आपने सुबह 5 या 6 बजे फर्स्ट टाइम पे उसको आपने वो मेडिसिन दे देनी है, क्योंकि जिसको अस्थमा हुआ वो ज़्यादा देर प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसी फीमेल या मेल जो भी। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो मेडिसिन। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रही है, ये वेंटोलिन है। ये स्पेशली अस्थमा के लिए बना होता है। इसके ऊपर आप इसकी प्रिकॉशंस भी पढ़ सकते हैं, ये सारी इसके, ये जो इस पर खुराक का तरीका लिखा हुआ है, ये तो खैर इंसानों के लिए है। ये वेंटोलिन जो मेडिसिन है ये आपने उनको देनी है, ठीक है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये मेडिसिन आपने इस तरह से देनी है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। और अगर आपके बर्ड्स ब्रीड पे हों तो क्या आपने करना है, मैंने आपको वो भी बता दिया है। तो ओवरऑल मैंने आपको अस्थमा की सारी सिचुएशन, उसके रीजंस और उसके सिम्टम्स भी मैंने बता दिए हैं। तो अगर फिर भी कुछ रह गया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी वीडियो की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो है ये दूध है, ये आपको 1/2 ग्लास जो है ये नजर आ रहा है। इस तरह से आपने ये कैल्शियम पी का सीरम में यूज़ करूँ, आपने दूध में डाल देना है और ब्रेड को आपने इसके अंदर डिप कर देना है।